Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great in your life. And today's topic is about personal finance. How to manage your own personal finance, how to manage your money and how to manage your personal finance. So let's start with the definition. Personal finance as a term covers the concept of managing your money, saving and investing. In simple language, आपको पैसों को कैसे manage करना है, उसको कैसे use करना है and उसको कैसे invest करना है. This is all about managing your money. So guys, do you hear about 50-30-20 rule? The idea is to divide your money into three categories. 50% on your needs, 30% on your wants, 20% on your savings. Let's assume a person got his salary in a particular date and the real question comes in his mind, that is how to manage his money and how to saving, how to investing. So he opens the YouTube and starts searching about it, how to manage your money, how to saving. So luckily he found 50-30-20 rule, which I am going to explain now. So be focused and let's understand how to apply this 50-30-20 rule. Guys, जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसका 50% आपको अपने नीड्स के ऊपर खर्चा करना है. लाइक रेंट हो गया, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, कोई EMI भरना है, फूड एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए काम आती है. नाउ कमिंग टू 30% रूल, आपके सैलरी का 30% आप यूज़ करेंगे आपकी इच्छाओं के ऊपर. लाइक कोई फ़ोन खरीदना है, कहीं वेकेशन पे जाना है, किसी को गिफ्ट देना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पर ये सारी चीज़ें शुड बी कम्स इन 30%. और जो रिमेनिंग 20% है उसके आप करेंगे इन्वेस्टमेंट, आपके फ्यूचर गोल के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके इमरजेंसी फंड के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ के सेविंग के लिए. सो गाइज, दिस इज द 50-30-20. होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स, सो दैट दे कैन सेव देयर मनी एंड बाय गिफ्ट फॉर यू. इनडायरेक्टली इट्स योर बेनिफिट. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.